सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म, योर प्लेटफॉर्म, दैट इज अभिमन्यु आईएएस। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आप लोगों को पहले वादा किया था कि जो मैं करवा रहा हूँ बेसिक सेम क्वेश्चन ना आए, बट उनका लॉजिक, उनका कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज़रूर काम होगा, और वही बात हुई। मैंने एक वीडियो पे अपलोड की जिसमें मैंने अच्छे से बताया कि क्लास नोट्स वर्सेस जो हमारे यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम था उसमें कितनी कुछ सिमिलरिटीज थी, कितने सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने यूट्यूब सेशन में करवाए थे जिनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में लगे हुए। तो अगर टाइमली आप तैयारी शुरू कर दो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सपोज़ करो आपने टाइमली तैयारी शुरू की, टाइमली आपकी तैयारी ख़त्म होगी, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, फिर वो जो हड़बड़ाहट का माहौल होता है ना वो नहीं क्रिएट होता, जो एक अननेसेसरी का डर होता है ना स्टूडेंट के दिमाग में, वो एक्सेस प्रेशर नहीं होता, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में भी कमी आती है। अगर आपने अच्छी तैयारी की हो ना, जैसे हम शुरू में बोर्ड्स में पढ़ते थे ना कि दिसंबर तक ये ख़त्म कर लेना, जनवरी तक फिर बोर्ड्स आएंगे, तैयारी करने 2-3 महीने, ठीक है, आपके टेस्ट सीरीज चलती थी वगैरह, तो क्या वो स्ट्रेटजी अपनी अपना सकते? बिल्कुल अपना सकते। टाइमली अगर सिलेबस ख़त्म हो जाए तो मैं अभी भी बात मानता हूँ, अगर टाइमली आप सिलेबस ख़त्म कर लो, देखो सिलेबस का तो कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं है, बट हाँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो हम कवर कर ही सकते हैं। यस, इजंट इट? यस। सो इसीलिए हम जल्दी आपसे मिल रहे हैं, यानी हम जल्दी ही एक बैच शुरू कर रहे हैं, बेसिकली इट विल बी वीकेंड बैच, ठीक है। तो मैं थोड़ी डिटेल्स बता दूँ आपको, ठीक है। सो वी हैव अ वीकेंड बैच, उसकी डिटेल्स मैं थोड़े दिन में शेयर कर दूँगा आपके साथ, हार्डली एक दो दिन में, ठीक है। ये हमारे पास एक वीकेंड बैच होने वाला है जो हम करेंगे टारगेट 2025, यानी यूपीएससी सीसेट 2025 टारगेट हम अभी से लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरा लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ेंगे, और वो भी जैसा हम पहले कर रहे थे वही एडवांस्ड मॉडरेटेड मेथड्स के साथ, कि हमने एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज़ नहीं करना, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल का यूज़ करना है, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप हमारे चंडीगढ़ सेंटर में विजिट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जिसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, पंजाब की सी बिल्डिंग, बिल्डिंग सेक्टर 25, चंडीगढ़, क्लियर। अगर ना पता चले तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, पता चल जाएगा अपने मोहाली सेंटर का एड्रेस आपको बताइए, C126, ठीक है, बिल्डिंग नंबर 2, 4th फ्लोर, फेस 8, इंडस्ट्री एरिया मोहाली, क्लियर। तो फ्रेश बैच कमिंग सून, अभी इनरोल कर लेंगे। तो जो बेसिक्स है, देखो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, दो चैप्टर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज, ये दो चैप्टर्स हैं जो आपको महारत हासिल करवाते हैं किसमें, अरिथमेटिक में, ठीक है। बाकी जो आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपके प्रैक्टिस बेस्ड है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे कम प्रैक्टिस करनी पड़ती, पूरी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, डिटेल सारी बताऊंगा, कितने लेक्चर्स किसके लगेंगे, और ये थ्रू आउट चलेगा, ये बैच जो हमारा टेल एग्ज़ाम चलेगा ऐसा नहीं है जैसा मैंने लास्ट टाइम किया था कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो सेम बैच था मेरा किस में कन्वर्ट हो गया था, MCQ सेशन और PYQ सेशन में, क्लियर। जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे अलग अलग तरह के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बहुत सारे 30 के राउंड सेशन हमने ये भी किए थे, 25-30 दहाँ तक मुझे याद है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कहीं होंगे 120 के राउंड भी मार्क्स बन रहे, उन्होंने एक बात बोली कि सर तैयारी तो ठीक थी, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो हमने MCQ और PYQ सेशन हमने किए थे उनसे हमें बहुत फ़र्क पड़ा, उन्हें हमें प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आया, क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, और प्लीज़ इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़ सकें और मैं सारे के सारे आपकी डिटेल बता सकूं और आपके साथ जुड़ सकूं, क्लियर। चलिए सुन, चलिए अब चलते हैं आगे, स्ट्रेटजी को जानते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए
और क्या क्या हम आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ मेरे पास क्या, सबसे पहले आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है इसमें, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तीन पोर्शन आते हैं बेसिकली मेरे सी सेट के एग्ज़ाम के। अगर मैं यूपीएससी सी सेट या आपकी जीएस पेपर टू की बात करूँ, इसमें क्या आता है, पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जो अभी क्या हालिया में 2-3 साल से सेट है वो क्या है कि मेरे पास 35 से 37 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27-28 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ से आएंगे, यही ट्रेंड है। इसके बीच ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस बार भी 35 से 37 ही है, पिछली बार 40 के राउंड थे, 38 थे, इस बार भी 35-37 के बीच हैं मेरे पास, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में फिर 12 से 15 के बीच, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में भी मेरे पास 25 से 28 मार्क्स, मतलब 25 से 28 क्वेश्चन की वेटेज रही है, क्लियर। तो ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। अगर लॉजिकल रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो ईजी था, ठीक है, ये मेरे पास मॉडरेट था, थोड़ा सा इतना भी नहीं कहूँगा, हालांकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत ईजी था, ऐसा नहीं था कि अगर 35 क्वेश्चन आए, 36 क्वेश्चन आए, उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेंथी था, बस ये कह सकते हो आप, थोड़ा सा, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। क्योंकि वह बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगा है पेपर, उन्होंने दिया है तब मुझे पता चला, ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं मेरे पास, ठीक है। अब जो यूट्यूब के सेशन आएंगे उसमें मैं ये करने वाला हूँ, 3 आपके स्क्वांट, 1 आपके लॉजिकल रीजनिंग और 1 आपके इंग्लिश, वीकली मैं ये रखने वाला हूँ, ये सेशन वीकली मैं आपके पास लेके आऊँगा यूट्यूब पे, जब हम जुड़ेंगे आपके साथ, क्लियर है। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं आगे की। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगर बेसिकली बात करूँ 211 से 2023 तक का ट्रेंड है कि मेरे पास किस टॉपिक से कितना आया था, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक रेड में है, डिसीजन मेकिंग आपके पास येलो में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये है, डाटा इंटरप्रिटेशन ये, और बेसिक न्यूमेरिकल यानी अर्थमेटिक, इसमें तो 4-5 अलग में थोड़ा है। तो ये 2011 का ट्रेंड है, ये 12 का है, ये 13 का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, और 24 का ट्रेंड तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया, तो इसको संभाल के रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये आपको काम आएगा थ्रू आउट, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से क्या पता चला मुझे, बेसिकली चेंज इन ट्रेंड, मुझे क्या पता कि चेंज इन ट्रेंड क्या था मेरे पास, कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को होते हुए देखा। कि अगर मैं 2011 की बात करूँ, 2012 में क्या चेंज था, इसी तरीके से डर, पिछली बार बहुत डर था पता है, इस बार भी सी सेट के पेपर के पहले मुझे कितने सारे बच्चों के यही सवाल था सर पेपर क्या पिछली बार की तरह आएगा, मैंने कहा अपने पे ब्रश, अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नॉलेज, ट्रस्ट योर प्रैक्टिस, दैट्स इट, ट्रस्ट योर लॉजिक्स, ट्रस्ट योर कॉन्सेप्ट, ये आपने करना था, दैट्स इट। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, डरने की ज़रूरत ना मैं कहूँ अगर 2023 में भी नहीं थी, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। आप लोग डरे क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं किए। क्या किया हमने, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं की। अभिमन्यु आयस क्या करता है शुरू से, वट आवर टीम इज डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा चेंज इन ट्रेंड पे ध्यान रखते हैं कि भैया 2011 में चाहिए या 12 में। अब मैंने क्वेश्चन कराया था 30 की पावर 2027 था शायद, इसका क्या बताना था, इसका सेकंड डिजिट बताना था मुझे, जीरो को छोड़ के क्या आएगा, पेपर में क्या था, आई थिंक 30 की पावर 30। तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन, नथिंग टू डू विथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या था मेरे पास, नेक्स्ट मेरे शायद ना 2027 एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, बस इतना ही था, मैंने पेपर में करवाया था 4:25 पेपर में आया, मैंने करवाया था 4:24 एंगल बिटवीन आर हैंड एंड आपका आवर हैंड एंड अपना वो मिनट हैंड, 4:24 और 4:25 पेपर में ही आए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिटो क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराया, वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, डेटा कुछ ऐसा था, एग्जाम में क्या आया, ए कर रहा है 6 में, बी कर रहा है 8 में, सी कर रहा है 8 में, बताओ अगर ए 1 एट अ टाइम करेगा तो कितना आंसर आएगा। तो ये क्या था, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी टीम की काबिलियत है पेपर को समझने की, इसीलिए मैंने कहा मैं भाई सी सेट में हमारी टीम नंबर 1 है। रीज़न क्या, रीज़न यही है इसका, रीज़न यही है इसका कि हम बहुत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि हमारी टीम छोटी छोटी बारीकियों पर, क्योंकि हमारी पूरी टीम है जो सी सेट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है,
कि किस तरीके से इस बार हमें पता चला कि इंग्लिश थोड़ा सा अलग चेंज आया इस बार। अब वो क्या चेंज आया वो अभी एक दो दिन में मैं वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ये चीज़ कैसे समझ आएगी जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ, नंबर वन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे आप, मैं करवाऊंगा आपको, हमारी टीम करवाएगी आपको, नंबर वन हमें तो आपको भी नंबर वन बनाएंगे, बट आपको करना क्या, आपको जुड़ रहे हैं, नंबर इस 9517716551 इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना आपने, क्लियर है। के बाद जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको सारी बारीकियां बताऊंगा। सी सेट से आप डरने की ज़रूरत नहीं है, पिछली बार डरे थे, मैंने संभाला स्टूडेंट्स को कि नहीं डरना नहीं, हमारी पूरी टीम ने सपोर्ट किया, ये डरने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत है, करिए इसको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मेरे पास, चलिए अब जरा कुछ पॉइंट्स को जान ली। व्हाट शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड एडवाइस टू पास द एग्जाम, स्टडी टिप्स। देखो सबसे पहले अवॉइड क्या करना शुरू, छोड़ो करना क्या वो समझो। क्रिएट अ स्टडी प्लान, कि आपको एक स्टडी प्लान को क्रिएट करना है, एक स्टडी प्लान को क्या करना है, क्रिएट करना है स्टूडेंट, क्लियर। कि आपको देखना है कि कौन सा सुटेबल टाइम है जिसमें आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल, कंफर्ट लेवल को देखो साथ में क्या है, समझा की बात। कीप प्रैक्टिसिंग, ये तो मस्ट है, कोई भी एग्जाम है ना, आपने ज़िंदगी में कोई भी प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए आपको मतलब किसी काम में परफेक्शन करने प्रैक्टिस चाहिए। आपको साइकिल चलानी हो, बाइक चलानी हो, दौड़ना हो, चलना हो, फ़ोन चलाना हो, प्रैक्टिस। आज फ़ोन में अंगूठे से फटाफट टाइप कर ले तो रीज़न क्या, प्रैक्टिस कर ली है, तो वही चीज़ है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नीड ब्रेक्स एंड गेट्स इनफ स्लीप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो लगातार बच्चे कहते हैं सर मेरी सीटिंग कितनी, मैं हमेशा ये कहता हूँ थोड़ी देर बाद उठो, एक दो घंटे के बाद, एक डेढ़ घंटे बाद उठो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, माइंड को रिलैक्स होने का टाइम, तो फिर दोबारा बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गेट इनफ स्लीप एंड गेट इनफ स्लीप, नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर नींद नहीं लोगे ना, दिमाग काम करना बंद कर देगा। मेरी एक बात सुनना ध्यान से, मैंने बच्चों को देखा है बौखलाए घूमते, सर 18 घंटे पढ़े, भैया पढ़ना ज़रूरी है तो शरीर भी तो ज़रूरी है, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, तन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तब आप अच्छा पढ़ पाएंगे। बात याद रखो हमेशा, पढ़ना ज़रूरी है, हाँ एग्ज़ाम टाइम पे आप कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। मेगा डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर स्टडी, हाँ अपने स्टडी स्पेस को हमेशा अच्छा रखो, जहाँ पे भी आपने बैठना साफ सुथरा रखो, किताबें वगैरह प्रॉपर साथ में रखो, तब पढ़ने का मज़ा आता है, मैं खुद ये बात मानता हूँ, ठीक है। क्लाइमेट का कोई नहीं, गर्मी सर्दी वो सबके लिए बराबर है, बट पढ़ने का जो आपका स्थान है वो अच्छा होना चाहिए, आपके दिल को भाना चाहिए, धरती बैठ के पढ़ो, टेबल बैठ के, बेड बैठ के पढ़ो, कहीं बैठ के पढ़ो, बट अच्छा स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूम हेल्दी फूड एंड स्टे हाइड्रेटेड, हाँ आपको हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा आउटसाइड फूड यानी आप जंक फूड की तरफ मत जाइए। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, पानी वगैरह प्रॉपर लो, एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए बॉडी में जब दिमाग अच्छा चलता है, ठीक है। ये कुछ जनरल टिप्स थे मेरे पास जो आपको एक तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास, ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा मेरे पास स्ट्रक्चर है। देखो प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट, मतलब प्रायोरिटी दो सब्जेक्ट्स को, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, जैसे आप एप्टीट्यूड की बात करें ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे शुरू से फोकस कर सकते हैं, यू कैन फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम डे वन। डेली लाइफ में कुछ पढ़ना शुरू करो, कॉम्प्रिहेंशन अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, मतलब जैसे मैंने भी समझाया कि अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए आपके, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर टाइम, मतलब अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करो, टाइम यूटिलाइजेशन इसी को बोलते हैं, कि हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज। मैं सी सेट की तैयारी अभी से करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको जीएस का है अच्छा खासा पोर्शन है जो यू हैव टू कवर, जो आपको अच्छे से कवर करना है, जो आपको अच्छे से कवर करना है। तो अगर टाइम की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे आपके पास क्वांट है, आपका रीजनिंग, आपके इंग्लिश है, इक्वल टाइम दे सकते हो आप, इक्वल टाइम दे सकते हो, एक से डेढ़ घंटा भी आप, कि इतना देना है तो मेरा काम चल जाएगा। रेगुलेट कर लो, आज अगर आपने क्वांट और रीजनिंग पढ़ लिया, कल आप क्वांट इंग्लिश पढ़ लीजिए, देन रीजनिंग इंग्लिश, अपने आप से रेगुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप योर इंटरेस्ट इन ईच सब्जेक्ट फॉर बैलेंस स्टडीज, यस। कई बच्चे क्या होते हैं, सर इंग्लिश तो नहीं पढ़ी जा रही, क्वांट में मेरा ना दिल नहीं लग रहा, मैं तो रीजनिंग ज़्यादा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। भैया क्यों, आपका जब ज़्यादा पोर्शन जिससे आना वो पढ़िए ना, दिक्कत क्या है।
अगर मैं बेसिकली देखूँ रीजनिंग से भी 12 से 15 क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के नहीं आ रहे, बहुत ईजी लेवल के आ रहे हैं, तो रीजनिंग को ख़त्म कर दूँ। अगर क्वांट में नहीं भी इंटरेस्ट बन रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना क्वांट किए तो नहीं हो सकता। अगर आप कल को बोलो सर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा जा रहा, सर नंबर सिस्टम मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, तो कैसे काम चलेगा? बिना नंबर सिस्टम के नहीं हो सकता। इस बार भी 15-18 क्वेश्चन आए हुए ऐसे, वो अलग बात है कि लेवल बहुत अच्छा था पिछली बार की तरह, कुछ हवा में क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। परमिनेशन कॉम्बिनेशन नामो निशान नहीं मिला मुझे दूर तक, ठीक है। अगर एक आधा क्वेश्चन हो तो कह नहीं सकते, वैसे था नहीं, ठीक है। क्रिएटिव, बी रियलिस्टिक एंड क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि मैं अपनी आउटपुट ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, टू इंक्रीज आउटपुट, टू इंक्रीज आउटपुट, टू इंक्रीज आउटपुट, कि आप अपनी आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज यही तो एक चीज़ है जो हर बच्चे को चाहिए। आज आप सपोज करो 12 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, अगर कल कोई 12 घंटे के आउटपुट 9 आवर में आप निकाल लो तो आपने अपने 3 आवर निकाल लिए, 3 आवर बच गए। वो कैसे करते हैं, देखो जैसे आज आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया आपने, ठीक है। आज आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में 2 घंटे लगा रहे हो, शुरू में लगेगा टाइम मुझे पता है, कल को वही टाइम आपने 1 घंटा बचा लिया, 1 घंटा कर लिया पूरे पढ़ने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, वोकैबुलरी अच्छे से वो समझ आएगी, सारी चीज़ें समझ आएंगी, फैक्ट समझ आने को, तो डेफिनेटली वो टाइम कम हो गई होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 आवर बचा ले, इस 1 आवर में आप कुछ और कर सकते हो, इसलिए बोला क्रिएटिव। क्रिएटिविटी आपके हाथ में, आपको कल को ये पता चलेगा हाँ यार ये न्यूज़ काम की होती है, ये न्यूज़ होती नहीं, जो न्यूज़ काम की नहीं उसे क्यों पढ़ना आपने, समझ आ गई बात। चेक ओल्ड एग्जाम पेपर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया, जो मैंने आपको भी पैटर्न दिखाया पिछला, वो क्या था, वो यही तो था। चेक ओल्ड एग्जाम पेपर, मैंने तो आपको ट्रेंड दिखाया ना, मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया चेंज इन ट्रेंड। बट आपको क्या करना, आपको देखना है प्रीवियस ईयर, ना समझ आए कुछ मत करो, मैंने नंबर बता दिया आपको 9517761651, इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपका काम ही खत्म हो जाना, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या हो गया, एक्सरसाइज वार्म अप योर बॉडी, यस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। रूटीन में थोड़ा वॉक को एक्सरसाइज को जोड़िए, रूटीन स्टार्ट करो, रूटीन में कुछ वर्कआउट लाओ अपनी स्टडी के साथ, कि हाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आप निकाल पाएं थोड़ा सा उसको करिए, क्योंकि बॉडी अगर वार्म अप होगी, अच्छे से बॉडी ओपन अप होगी, तो फिर जो आती है ना आपको तो सुस्ती आती है बार बार, वो नहीं आती, ताज़ा आपको ताजगी महसूस होगी। वॉक करिए, उससे कुछ भी हो सकता है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्प्रिंट रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, पुशअप्स कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से अपने शरीर को ढालिए, ठीक है। टेक ब्रेन फूड, मैंने पहले ही बताया ब्रेन फूड का मतलब हेल्दी फूड, इसमें हम बात कर चुके हैं, रिलैक्स क्या, रिलैक्स योर माइंड, अपने माइंड से बात करो कि यस हो जाएगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, हर चीज़ होगी, बट आपको धीरे 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 इंप्रूव करना पड़ेगी चीज़ों को, क्लियर। नेक्स्ट क्या मेरे पास, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने बोला था अभी हाइड्रेटेड वाली बात आ गई ना, ये वही चीज़ है। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कैसे करना, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, ये सारे वही पॉइंट्स मैंने आपको ऑर्गेनाइज वे में अभी बताए, क्लियर। तो होपफुली आपको सब समझ आया होगा, क्लियर। सो सून वी आर स्टार्टिंग बैच, होपफुली विद इन अ वीक, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लग सकता है मैक्सिमम। सो टारगेट सी सेट 2025 वी आर लॉन्चिंग, जिसके अंदर पूरा एप्टीट्यूड करवाया जाएगा, पूरे लॉजिकल रीजनिंग, पॉरिच, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हम कंप्लीट करेंगे, और टिल एग्जाम, ये नहीं है कि उन्हें 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा और खत्म, ये टिल एग्जाम चलेगा आपका, याद रखना। इसमें आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आ सकते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन भी आएंगे तो चलेगा, एक मिनट, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इसमें, ठीक है, जैसे आपने क्लास लगा ली तो रिकॉर्डेड तौर पे आपके पास पड़ी रहेगी पूरे एक साल तक टिल एग्ज़ाम, ठीक है। आपको लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, कोई बाहर से नोट्स नहीं खरीदने आपने, पीडीएफ मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें वेब नोट्स कहते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारा का सारा बैच बिल्कुल तैयार है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करनी है 9517771651। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बेसिकली लॉन्ग बैच चलेगा, आराम से कराएंगे, इसमें पूरी दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं है, साथ में आपकी इंग्लिश चलेगी, साथ में रीजनिंग और साथ में आपकी क्वांट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम हेयर टू गाइड यू, सफ़र बिल्कुल नहीं करने दूंगा पिछली बार की तरह, जैसे बच्चों ने पिछली बार अच्छे से किया हमारे बैच में, इस बार भी अच्छे से करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। और सारे सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।